back to the channel and welcome back to another video. I hope you all are doing great. So आज हम कहाँ जा रहे हैं? Wong's Kitchen. आज हम जा रहे हैं Wong's Kitchen जो कि है रोहिणी सेक्टर. हमें नहीं पता, अभी तो देखने में पता लगेगा. तो Wong's Kitchen के बारे में ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों ने सुना होगा क्योंकि उसके रोल्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है. चिकन रोल्स, मोमोज रोल्स, शार्प रोल्स. तो है तो ये काफ़ी पुराना, बट हमने सोचा भी था इस पर वीडियो बनाने का बहुत बार ही, क्योंकि बार बार ये ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग पे रहता है. बट हम जा नहीं पाए, वो अलग बात है. बट आज फाइनली हम जा रहे हैं Wong's Kitchen देखने कि क्या है, टेस्ट कैसा है. देखने नहीं, हाँ, खाने. खाना कैसा है, टेस्ट कैसा है उसका, है ना. तो चलते हैं, अब हम पहुँचने ही वाले हैं. ऑलमोस्ट बारिश का हो रहा है मौसम, बहुत ही प्यारा. तो पर बारिश नहीं आ रही है, पर बारिश नहीं आ रही, बट मौसम फिर भी गर्मी वाला है. ह्यूमिडिटी है, इसका इंतजार था, वो हो चुका है. वो है जाम. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. जाम मिल चुका है हमको. Wong's मिले ना मिले, पर जाम जरूर मिलना था. टॉक शॉप और कौन सी थी? बस यही नहीं, ये ना, ये देखो, ये है रील्स की शॉप. ये मैंने पहले भी यहाँ पे दिखा रखा है ना. ये है इंस्टा की दुकान. ये हॉलीवुड. एक यहाँ पे बिग बॉस भी था, वो शायद से वो उड़ी नहीं है. बिग बॉस नहीं, बिग बॉस OTT चल रहा है इस वक्त. तो वाओ, क्या बात. हम Wong's पहुँच गए हैं और यहाँ पे भीड़ हो रही है. बन ओए मोरोको और Wong's ना दोनों साथ साथ है. अरे जो मोरोका है ना, जो मोरोका और Wong's है ना, वो एक दूसरे के राइवल है. पता तेरे को ये बात, एक जैसे ही खाना बनाते हैं, एक जैसे रोल मतलब बेचते हैं, एक दूसरे के वो हैं, ये कॉम्पिटिटर. अब बता इनमें से बिकता कौन होगा सबसे ज़्यादा? Wong's का नाम ज़्यादा है इसलिए वो बिक रहा होगा. हो सकता है दिन में Wong's बिक रहा हो, रात को मोरो का बिक रहा. किचन जो पेड़ों के पीछे छुपा है, और ये है मोरो का. और ये Wong's किचन का बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है इन दोनों के बीच. ये बैठने वाला है Wong's किचन का, ये रहा. कहाँ है बैठना? अरे अरे वो इन्होंने बैठने वाला भी खोल दिया, ये तो मुझे पता नहीं था. इतना सारा कुछ है, कहाँ कहाँ से क्या क्या खाएंगे. मेन हमें काटी रोल खाना है. नेवर एंडिंग वो है मेन्यू. ये है इनके बाहर का इंटीरियर Wong's किचन का. वहाँ पे आउटडोर सिटिंग भी अवेलेबल है. हम ले आए हैं अपना, हमने दो रोल लिए हैं सिर्फ, जो है एक बटर चिकन रोल और एक है हल्क रोल. तो रोल जो हल्क जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, और यह है बटर चिकन रोल जो कि ठीक लग रहा है ना. अभी खा के देखते हैं फिर पता लगेगा ना. पहले तो खाएगा, इसी लग रहा है. कैसा है फर्स्ट बाइट में थोड़ा सा पता लग गया होगा, नॉर्मल है बाकी रोल से या फिर वैसे ही है? अलग है. जलवाई अपने रोल में. देखो ना, टमाटर ज्यादा जलवाने चाहिए थे अपने रोल में. टमाटर महंगे हुए हैं. अच्छा, ऐसा लगता है बटर चिकन की ग्रेवी ही रोल में ऑब्वियसली डली होगी अगर बटर चिकन ना मिलो, तो बटर चिकन की ग्रेवी ही डाल दी है. अच्छा टेस्टी लग रहा है खाने में. के बारे में, एक रोल के बारे में एक बहुत ही उम्दा चीज बताना चाहते हैं इन्होंने. ये जो पराठा है ना, इसका रोल की मतलब ये रोल का ये पराठा, ये पहले से ही बना के रखते हैं ये सब. और मतलब चिकन विकन तो पहले से ही मैरिनेटेड होता है, सब कुछ होता है, बस सब, उसको सब गरम कर गरम करके वापस डाल के सॉसेज वगैरह डाल के फिर दे देते हैं आपको. मेरा बटर चिकन रोल है, इसमें एक ये है कि बटर चिकन तो है बस, सिर्फ ना ग्रेवी ग्रेवी ही आई है मेरे मुंह में अब तक. सिर्फ एक ही पीस आया होगा जो आया होगा, बट ज्यादातर मेरे को इसमें ग्रेवी ही नसीब हुई है. बट चिकन डाला ही नहीं है ढंग से, गलत बात है ना. पता नहीं, पर इस वाले में तो जो मैं खा रहा हूँ इसमें तो पूरी मतलब फिलिंग एकदम भर रखी है, क्योंकि इसमें हल्क है ना बेटा. इसी का इंतजार था, जो कि है क्या है, बारिश. बारिश के मौसम में ये रोल
जिसके अंदर चिकन है नहीं। पोल है ना उसके हिसाब से ना बहुत ज्यादा बड़ी प्लेट होनी चाहिए, क्योंकि इतना गिरता है ना ये, आधा तो कपड़ों पे ही गिर जाता है। नहीं गाइस, तो हम वहां से निकल चुके हैं वोंग्स किचन से, तो अब हम आपको अपना रिव्यू देना चाहते हैं। पहले मैं दूंगी आज, मेरा है कि रोल्स अच्छे थे, थोड़ा सॉस वगैरह डाल के थोड़ा खट्टापन आ रहा था मेरे को, मिंट चटनी की वजह से। हाँ ऐसा हो सकता है। और एक तो मेरे रोल में ना चिकन तो था नहीं, ग्रेवी ग्रेवी ज्यादा थी मेरे पास, दिमाग इसलिए भी खराब हो रहा था। एक ही पीस आया था कसम से मेरे पास, और एक ये था कि इशू की उन्होंने पहले से सब कुछ एक तो बना के रख रखा था, और चीज़ों को ना ढक भी नहीं रखा था। तुमने देखा था क्या बोल्स में, मतलब सारी चीज़ें थी इनकी, बटर चिकन, भुना चिकन, जो भी इन लोगों ने रोल्स होते हैं इनके, चाउमीन और लच्छे पराठे ऐसे पड़े हुए थे, उनको फटाफट गर्म करके दे दिया इन्होंने, है ना। तो खाने में तो मतलब नॉर्मल टेस्टी है, अच्छा है, पर जो हाइजीन है ना उसमें बिल्कुल भी वो नहीं है मेरा। मैं ज्यादा पॉइंट्स ही देती हाइजीन में, है ना। ठीक है, इतना वो नहीं है फिर भी ठीक था। मतलब जो मैंने लिया था उसके अंदर मसाला ज्यादा था, अच्छा पर था अच्छा, वो भी खट्टा खट्टा था थोड़ा। हाँ पर बढ़िया। और एक हमने मोहितो भी ली थी, वो भी ठीक थी, अच्छी थी। मोहितो ठीक थी, मीठा ज्यादा था। हाँ मीठा ज्यादा था। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, बढ़िया था, आप जा सकते हो, पर ये है कि कॉस्टली है काफ़ी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कॉस्टली है, 100-150 रुपये का रोल, 200 रुपये का रोल, ऐसे है उसके प्राइजेस चिकन के। 200 रुपये का रोल है। हाँ तो अब लगा लो कि स्नैक्स ने क्यों। हाँ तो जो रोल रोल ये एक लच्छा पराठा में चिकन करके 200 रुपये का रोल है, तो फिर क्या ही हाल होगा आगे चीज़ों का। बजट फ्रेंडली रोल्स खाना चाहते हो नॉर्मल, तो फिर सी फोर ही मार्केट सही है आपके लिए, ये ना इतने महंगे हैं। और फिर सी फोर ही भी अच्छा है, और सी फोर ही ठीक है, सी फोर ही जनकपुरी दिल्ली। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारा रिव्यू अच्छा लगा होगा आपको, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगी। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।